हेलो चिल्ड्रंस, वी विल डिस्कस एनवायरमेंट स्टडीज़ क्लास 4 चैप्टर 1 मी एंड माय फैमिली। आज हम दो प्रकार के बातें पढ़ेंगे, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली, न्यू अराइवल इन द फैमिली। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम टू भाग में पढ़ेंगे इसको। तो आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। तो पहला, स्मॉल फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली होती है वो बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की, है ना। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। माता पिता और बच्चे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक परिवार। सी इज़ अ नव्या। ये जो स्टोरी है उसका नाम है नव्या। सी इज़ अ 9 ईयर ओल्ड। वो जो बच्चे है ना, नव्या है वो 9 साल की है। सी लिव्स विथ हर ब्रदर एंड पेरेंट्स। वो अपने भाई और अपने माता पिता के साथ रहती है। हर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली, यहाँ पे तुमने सबने पिक्चर देखा होगा, ये चार जो फैमिली है जैसे मॉम, डैड, बच्चा और है ना दो जने और हैं, चार लोग हैं, ये स्मॉल फैमिली है ना। तो वो स्मॉल फैमिली में रहती है। इसमें पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को, स्मॉल फैमिली है। अ फैमिली मे बी बिग फैमिली व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स लिव्ड अंडर ऑन रूफ। जब एक जो बिग फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, मतलब अंकल आंटी सब लोग रहते हैं, उसे बिग फैमिली कहते हैं। ये तो आप सब ने बच्चे है ना अपनी पहली थर्ड क्लास में पढ़ा होगा। अब हम आगे का पढ़ेंगे। अ फैमिली प्रोवाइड्स अवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, हाउस एंड क्लोथ्स। जो फैमिली होती है वो हमें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, हमें है ना देती है, जैसे खाना, कपड़ा, घर, है ना। वी शेयर अवर हैप्पीनेस एंड सोरोस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ, सोरोस मतलब दुख, विथ अवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने दुख और सुख अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवार के वालों के साथ बांट सकते हैं। फैमिली गिव्स अस लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्कूल। फैमिली जो होती है उसे फर्स्ट स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, न्यू अराइवल इन द फैमिली, एक नया मेहमान परिवार में। वन डे नव्यास फादर टोल्ड हर टू गेट अप अर्ली। एक दिन नव्या के जो पापा थे उनने उनसे कहा कि जल्दी से उठ जाओ। सी आस्क अबाउट हर मदर। उसने उनके उसकी माँ के बारे में बताया। हर फादर टोल्ड हर दैट सी हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। उनके पापा ने कहा, नव्या के पापा ने नव्या से कहा कि तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। नव्या नोज वाई हर मदर हैज़ गोन टू बी हॉस्पिटल। नव्या जो थी वो जानती थी कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल क्यों गई है। सी आस्क्ड वेदर द न्यू बेबी इज़ हर ब्रदर और सिस्टर। नव्या जो थी वो कहती थी कि जो नया बेबी है वो ब्रदर है कि सिस्टर है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो टू हॉस्पिटल। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, किस लिए, अस्पताल जाने के लिए। नव्या एंड हर फादर बोथ वेंट टू द हॉस्पिटल विथ फूड फॉर नव्याज मदर एंड क्लॉथ्स फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। जो नव्या के पापा थे वो नव्या को लेकर के अस्पताल गए, अपनी उसकी नव्या की मामा के लिए खाना लेके गए और जो नए बच्चे थे, नया जो बच्चा हुआ है उसके लिए खाना लेकर के गए। इन द हॉस्पिटल नव्याज मदर ले ऑन द बेड इन अ रूम। जो नव्या की माँ थी वो एक है ना मामा थी, वो किस पर बेड पर लेटी हुई थी है ना हॉस्पिटल में। अ लिटिल बेबी विथ लवली फेस। एक छोटा सा बच्चा जिसका बहुत सुंदर सा फेस था, ब्लैक कर्ली हेयर, जिसके कर्ली कर्ली बाल थे, काले काले, क्लोज आइज, ले इन स्मॉल कोट। जो है ना, जो कि लेटा हुआ था किस पर, स्मॉल कोट, एक छोटे से कोट में है ना, आंखें बंद करके। नव्या हग्ड हर। नव्या ने उसे हग्ड किया, हर मदर अपनी मम्मा को हग किया, एंड टच बेबी फेस, और बेबी के फेस को टच किया। हर मदर आस्क नव्या व्हाट विल यू कॉल योर लिटिल ब्रदर। तुम अपने छोटे भाई को क्या कहके बुलाओगी। नव्या सेड मॉम आई विल कॉल हिम नवीन बिकॉज आई एम नव्या। मैं इसे नवीन कहूँगी क्योंकि मैं नव्या हूँ और वो नवीन हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, अर्ली एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड सपोर्ट ऑफ हर पेरेंट्स।
Every child needs love, support of her parents. All the children are not so. सभी बच्चों को अपने परिवार मम्मी पापा का है ना प्यार चाहिए होता है और सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि लकी नहीं होते हैं, है ना. Due to some reason, some children do not get support their parents. कुछ कारणों के वजह से कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं पा पाते. Many children lose their parents in natural disasters like earthquake, flood, tsunami, etc. जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने है ना पेरेंट्स को खो देते हैं, किसमें, सुनामी में, बाढ़ आने में, अर्थक्वेक में. और इन द एक्सीडेंट सच है रोड एक्सीडेंट, एयर क्रैश, एटीसी. और कुछ एक्सीडेंट में भी खोल जाते हैं अपने पेरेंट्स को, रोड एक्सीडेंट हो चाहे एयर एक्सीडेंट हो, है ना, एयर क्रैश हो जाता है ना, तो इनमें अपने पेरेंट्स को खो देते हैं. दिस चिल्ड्रन नीड सपोर्ट एंड केयर. ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है. दे आर सपोर्ट देयर आइदर बाय देयर फैमिली. उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि है ना जो उनके परिवार का हो मेंबर्स, और बाय सम पीपल ऑफ सोसाइटी और बाय गवर्नमेंट. तो उन्हें है ना ऐसे बच्चों को जो सपोर्ट करते हैं उनके जो परिवार वाले अलग कुछ सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य या फिर उनके कुछ अदर लोग या फिर कुछ गवर्नमेंट सोसाइटी के लोग, ऐसे लोग उनकी हेल्प करते हैं. अडॉप्शन, अब हम पढ़ेंगे अडॉप्शन. अडॉप्शन मतलब क्या होता है, गोद लेना, अडॉप्ट करना, है ना. मैनी चिल्ड्रंस आर ब्रॉट अप बाय देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि उन्हें अडॉप्टिव पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ रहते हैं. नॉट बाय द पेरेंट्स दे आर बोर्न. ऐसे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं जो कि जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है. टू अडॉप्टिंग अ चाइल्ड मीन्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड. किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, जो अडॉप्टिंग होता है अडॉप्ट करता है वही पेरेंट्स उसके लीगल पेरेंट्स होते हैं. फॉस्टर पेरेंट्स आर दोज हु टेक केयर एंड ब्रिंग द चाइल्ड इनटू देयर होम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग हिज और हर लीगल पेरेंट्स. सम फिल्म स्टार्स हैव आल्सो अडॉप्ट ऑर्फन चाइल्ड्स. फॉस्टर पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने ना बच्चों को गोद लेते हैं और उन्हें घर ले जाते हैं, लेकिन वो उनके लीगल पेरेंट्स नहीं होते हैं, है ना, लीगल पेरेंट्स नहीं बनते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर ले जाते हैं और रखते हैं. सम फिल्म स्टार, बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्होंने बच्चों को गोद लिया है. वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ अवर पेरेंट्स. इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट देम. हमें उन्हें उनकी है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए. फॉर चिल्ड्रन द फर्स्ट ड्यूटी टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स इज टू पे अटेंशन ऑन स्टडीज एंड वर्क हार्ड टू डू वेल इन क्लास. जितने भी बच्चे होते हैं उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वे अपने पेरेंट्स को अटेंशन दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और बहुत मेहनत करें और क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करें. इफ चिल्ड्रन डू दिस देयर पेरेंट्स फील हैप्पी एंड प्राउड. जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है और क्लास में फर्स्ट आता है तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और है ना बहुत ही प्राउड फील करते हैं, है ना. यहाँ पर फॉस्टर पेरेंट्स के एक पिक्चर दिख रही है. फॉस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों को की सब रखते हैं अपने साथ हैं, लेकिन उनके लीगल पेरेंट्स नहीं होते हैं, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें उनके पेरेंट्स का नाम नहीं आता है. और क्योंकि जो उनके रियल पेरेंट्स आते हैं उनका नाम होता है. और यहाँ पर दूसरी पिक्चर है सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन जो है उसकी उनकी डॉटर है वो उसके उनके साथ में, लेकिन वो उन्होंने अडॉप्ट की है, ठीक है. मैनी एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज. जो बहुत सारे जानवर होते हैं वो बिना बच्चों को जन्म देते हैं जिस तरह ह्यूमन बींग्स देते हैं. दे आर कॉल्ड मैमल्स और उन्हें हम मैमल्स कहते हैं. सम एनिमल्स लेस एग. दे कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स ओविपोरस एनिमल्स. और कुछ जो जानवर होते हैं वो एक अंडे देते हैं और उन्हें ओविपोरस है ना एनिमल्स कहते हैं, ठीक है. ये जो पिक्चर दिख रही है हमको है ना, ये हमें सब कुछ जानवरों की पिक्चर्स है. इसमें मैमल्स भी हैं और ओविपोरस भी हैं, ठीक है. तो द चैप्टर इज कम्प्लीटेड. अब हम ये आप लोगों के असाइनमेंट हैं, मतलब आपकी फेयर कॉपी में आपको सॉल्व करनी रहते ना वही. तो इसमें पहला आपका मल्टीपल चूज क्वेश्चन MCQ
क्यू एस है ना। टिक द करेक्ट ऑप्शन, राइट का निशान लगाना है। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी हमने बताया था क्या है, फैमिली, तो हमारा आंसर क्या होगा, फैमिली। तो हम फैमिली पे ऐसे क्लिक कर देंगे, ऐसी अपने फैमिली पर राइट लगा देंगे, ठीक है, मैंने रेड से लगाया है। फिर उसके बाद हम अब बिग फैमिली, तो बिग फैमिली में कितने मोर देन थ्री मेंबर्स, कितने तीन लोगों से ज़्यादा सदस्य हों तो हम उनको बिग फैमिली कहते हैं। या फिर अ फैमिली प्रोवाइड्स अस ऑल द थिंग्स, फूड, क्लोथ्स, हाउस, सभी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कराती है, तो हमें इसका भी डी लगाना है। नव्या लिटिल ब्रदर इज नवीन, क्या नाम था नव्या ने अपने भाई का, क्या नाम रखा था, नवीन। अब इसका है एवरी चाइल्ड सपोर्ट एंड केयर ऑफ पेरेंट्स नीड्स आएगा इसमें, फर्स्ट में क्या आएगा हमको ना नीड्स, तो हम फर्स्ट वाला जो होगा वो कहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला, हम फर्स्ट वाले में हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, नीड्स, क्या लिखेंगे, एन ई डी, नीड्स, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में हमारा है अडॉप्ट अ चाइल्ड मीन्स बिकम लीगल पेरेंट्स, तो इसका क्या आएगा, लीगल पेरेंट्स, कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, नीड्स कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। और फिर उसके बाद फर्स्ट में नीड्स आ गया, सेकेंड में, थर्ड नंबर में एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड, जो एनिमल्स होते हैं वो बेबीज जिनको जन्म देते हैं वो कहलाते हैं मैमल्स, क्या कहलाते हैं, मैमल्स, तो थर्ड नंबर में आएगा मैमल्स। और एग लेइंग एनिमल्स कहलाते हैं ओवरपेरस, क्या कहलाते हैं, ओवरपेरस। अब फ्रॉग लेस एग्स गिव बर्थ टू एंगियन, तो हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें क्रॉस द इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड पे क्रॉस करना है, तो क्या मेंढक अंडे देता है या बच्चे को जन्म देता है, तो मेंढक क्या देता है, अंडे, तो हम इसमें गिव बर्थ्स को क्रॉस कर देंगे, तो गिव बर्थ्स को, ये गिव बर्थ को हटा देंगे। फिर कैट मैमल्स, कैट इज अ मैमल, एग लेइंग एनिमल, तो कैट क्या है, मैमल्स है, एग नहीं देती है वो, अंडा नहीं देती है वो, बेबी को जन्म देती है, तो इसको क्या, इसमें यहाँ पर ये वाला एग लेइंग एनिमल्स में क्रॉस कर देंगे। फिर फैमिली इज फर्स्ट या सेकेंड स्कूल ऑफ चाइल्ड, तो फैमिली क्या होती है, फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड होती है, तो इसमें भी हम सेकेंड को क्रॉस कर देंगे, सेकेंड पे क्रॉस लगा देंगे। अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड लीगल या इलीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, इसमें लीगल प्रोसेस आएगा तो इलीगल को हम क्रॉस कर देंगे, जो मैं हटा, जिसमें मैंने रेड रेड किया है उनको नहीं लिखना है आप लोगों को, आंसर करके उस, है ना, उसमें क्रॉस कर देना है ना, उसमें अंडरलाइन करके क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी जो आपकी आपकी ये आप लोगों की एक्टिविटी है, आपको एक फैमिली ट्री बनाना है, क्या बनाना है, फैमिली ट्री, और उसमें आपको अपने पेरेंट्स से लेकर आपकी जो नीचे है सबसे आपकी, फिर उसके ऊपर जो दो ब्लॉक है उसमें आपके मम्मी पापा की, है ना, ऐसे आपको पूरा फैमिली ट्री बनाना है आपको, पहले अपने मम्मी पापा की फ़ोटो, है ना, जैसे, और अपने दादा, है ना, अपना फ़ोटो, अपने पेरेंट्स का फ़ोटो, ऐसा फैमिली ट्री बनाना है पूरा का पूरा आप लोगों को, अपने दादा दादी का फ़ोटो, फिर उसके नीचे आपके पापा का फ़ोटो, पापा मम्मी का फ़ोटो, पापा मम्मी के नीचे फिर आपका, आपके जो दो तीन भाई बहन हो जितने भी उनका फ़ोटो, ऐसे लगा करके फैमिली ट्री बनाना है, बहुत सुंदर सा ये आपका एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, इसको आपको कंप्लीट करना है, जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये प्रोजेक्ट आपका देखा जाएगा, आपकी कॉपी में बना होना चाहिए, और आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसलिए जो तीनों क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट डे वी कैन टॉक सेकेंड चैप्टर, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।